ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं रायपुर की, जहां पे गुड़ियारी सब पावर स्टेशन के यार्ड में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर जल गए हैं। यहां पर करीब 500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर और बिजली का सामान जलकर खाक हो गया है। ये आग दोपहर 2 बजे लगी थी। दर्जनों फायर की गाड़ियों ने देर शाम आग पर काबू पाया है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए यहाँ पे एसडीएम ने कहा है कि आग पर करीब करीब काबू पा लिया गया है और कोई भी जनहानि नहीं हुई है। रायपुर से सांसद सुनील सोनी ने कहा कि ट्रांसफार्मर का तेल ज्यादा ज्वलनशील होता है, जब तक आग पूरी तरीके से बुझ नहीं जाती है अधिकारी सतर्क रहे। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में विद्युत विभाग के पावर सब स्टेशन पे भीषण आग लग गई और इतनी भयंकर आग थी कि जो आग का गुबार था वो करीब राजधानी के 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में देखा गया। तस्वीरें अभी देखिए। हालांकि अब आग पर लगभग कंट्रोल पा लिया गया है और बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर डिप्लॉय की गई थी। राजधानी रायपुर की शुरुआत में जैसे ही आग लगी उसके बाद से 8 दमकल की गाड़ियां यहाँ पे पहुंचाई गई और यहाँ पर पानी का छिड़काव किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। तो आग की भीषणता को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद थी, कलेक्टर थे, एसएसपी थे और मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए पहुंचे हुए थे। और उसके बाद रायपुर के आसपास के जो शहर हैं, भिलाई है, दुर्ग है, धमतरी है, यहाँ की रायगढ़ तक के फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और वहां से हेल्प मांगी गई। तो वहां की भी जो दमकल की गाड़ियां हैं वो राजधानी रायपुर पहुंची और सभी ने मिलकर लगभग आग पर काबू पाने की कोशिश की है और ये कहा जा रहा है कि करीब 70% आग पर काबू पा लिया गया है। सबसे अच्छी बात है जो अब तक की जो सूचना है उसके मुताबिक अभी कोई भी जनहानि नहीं है। रायपुर के एसडीएम है, उनसे बात करते हैं कि ये आग कब लगी और अब स्थिति क्या है। 2 बजे के आसपास आग लगी है। अब लगभग हमारे फायर ब्रिगेड सभी आ गए हैं, आ ही रहे हैं, लगातार बुझा रहे हैं। अब लगभग कंट्रोल है। ये आशंका व्यक्त की जा रही थी जिस तरीके से ये शहर के बीच में है और चारों तरफ रिहायशी इलाका है, तो कुछ जनहानि की भी अंदेशे व्यक्त किए जा रहे थे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है आपकी जानकारी में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुई। पीछे जो बस्तियां हैं उसको हमने खाली करा लिया था पहले भी अलर्ट होकर के, तो अभी कोई जनहानि की संभावना ही नहीं है, अब तक तो नहीं हुई है। बिजली विभाग की टीम से भी बात हुई होगी तो आग लगने के कुछ कारण समझ में आएगा? अभी तक कुछ पता नहीं चला है, अभी बाद में देखेंगे, अभी तो हम बुझा रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, अभी तक ये जानकारी नहीं लगी है कि आग क्यों लगी है, लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि विद्युत विभाग का ये सब स्टेशन है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर रखे गए थे और ये ट्रांसफार्मर की जो कीमत बताई जाती है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा की एक ट्रांसफार्मर की कीमत है। वो तस्वीरें हैं, हालांकि अब अंधेरा हो रहा है, वहां पे ट्रांसफार्मर जो जल चुके हैं वो दिख रहे हैं और एक ट्रांसफार्मर की कीमत करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा होती है और जिस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें हैं उसके अनुसार 500 से ज्यादा ये ट्रांसफार्मर जले हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली विभाग को ये करोड़ों रुपए का इधर से लॉस हुआ है। हालांकि विद्युत विभाग की टीम इसकी जांच करेगी, लेकिन अभी शुरुआती दौर में ये कहना मुश्किल है कि आग लगने के कारण क्या है। अब विद्युत विभाग इसकी जांच कराएगा कि आखिर कहां पे ऐसी चूक हुई जिससे करोड़ों रुपए का विद्युत विभाग को नुकसान हुआ है। फिलहाल ये कहा जा सकता है ऑफिसर से जो बात हुई है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, जिस तरीके के अंदेशे व्यक्त किए जा रहे थे वो अंदेशों में ऐसा कोई भी जनहानि का नुकसान नहीं है। ये जरूर है कि माल के जरूर नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का विद्युत विभाग को यहाँ पर नुकसान हुआ है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटी। रायपुर के सांसद घटनास्थल पर पहुंचे हैं, आपको सूचना मिली, आप आए, बड़ी भयानक आग लगी हुई है। निश्चित तौर पर दुखदायी है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर सैकड़ों की तादाद में यहाँ से अनंत जगह सप्लाई होते हैं और जो लगातार ट्रांसफार्मर फटे हैं जिससे आसपास दहशत हुआ और लोगों ने अपने कपड़े हटाए, गैस सिलेंडर हटाए, खाली किया घर को और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायक मिलके उनके भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और मैं प्रशासन को यही कहा है अभी कि जो अभी आग बुझ गई है ये मान के मत चलिए, क्योंकि ऑयल है ये कभी भी भकभकाएगा और पीछे जो है सारी घनी बस्तियां हैं, चारों तरफ घनी बस्तियां हैं, रामनगर, भरतनगर, लक्ष्मण नगर, इधर साइड में पूरा जो एरिया है और पीछे जो स्लम एरिया है, तो इस पे नजर रखने की रात के जरूरत है, उस बात का ध्यान रखें, यही मैंने कहा। अच्छा, ये क्या लगता है कब तक काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि आपकी ऑफिसर से बात भी हुई है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं तो रायपुर के आसपास भी इतना देखिए फोम वाले जो जितने हैं वो गाड़ियां
रायगढ़ तक के गाड़ियां जो है, भिलाई है, रायगढ़ है, वो सब तरफ से अभी मंगाए हैं और ये काम जो है देर रात तक चलेगा। देर रात तक आग बुझा ली जाएगी ऐसा दावा है रायपुर के सांसद सुनील सोनी का। उन्होंने भी साफ कहा कि आसपास के जितने भी फायर स्टेशन है उनसे हेल्प मांगी गई थी और वहां से फायर की जो गाड़ियां हैं वो राजधानी पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी पास किए कि ये ऑयल वाली आग है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, जब तक कंप्लीट बुझ ना जाए तब तक इस पर नजर बना के रखनी होगी। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV।